हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई पढ़ाई तो करिए, क्योंकि इसके अलावा कोई काम आने वाला है नहीं। और यही एक ऐसी चीज है ना जो बिना किसी लागत के आपके हाथ में है, आपके वश में है कि कितना करें कितना ना करें। खूब ज्यादा करिए नहीं भी करिए, सब कुछ आपके हाथ में है। खूब ज्यादा करेंगे तो आपका भला होगा, नहीं कुछ करेंगे तो आपका बिगड़ेगा। और किसी से कोई मतलब नहीं है जो आज दिखावे के लिए आपके बहुत हितैषी दिखाई दे रहे हैं, जो आपके बहुत अपने लग रहे हैं। एक समय आएगा ना कि सब अपने अपने रास्ते रहेंगे, आप अकेले पड़ जाएंगे। तो आपको समझ में आएगा कि काश मैंने पढ़ लिया होता, अपनी जिंदगी बना ली होती, मैंने फॉर्म भरा था, क्यों मैंने मेहनत नहीं की, क्यों मेरा अब के साल भी बर्बाद हो गया। तो पढ़ाई करिए, ये बहुत ही जरूरी है। अब आज के वीडियो में मैं एक बात करूंगी कि जैसे मेरे पास आप लोगों के प्रश्न तो मैं सारे सबके देखती हूँ, और एक जैसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका जवाब मैं हमेशा देती रहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का मुझे दो क्वेश्चन मिला। और कल की वीडियो में होगा, आप लोग भी देखिएगा कि एक ने लिखा था कि दीदी अगर पत्नी मतलब सम्मान ना करे, पत्नी ठेस पहुंचाए तो क्या करें, मतलब मन को ठेस पहुंचाए। और एक जगह आया था कि अगर पति आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए तो क्या करें। तो भाई दोनों सवाल मेरे पास थे। एक चीज बताए ना, पति और पत्नी, सास ससुर, माँ बहन, भाई पिता, चाचा भतीजा, मामा मामी, जितने भी रिश्ते हैं, दोस्त यार, सबकी बात मैं करूं। जब आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस समय ऐसा होना चाहिए कि कोई आपका नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप रिश्ते निभाना बंद कर दीजिए, आप उनके लिए कुछ करना बंद कर दीजिए। बात यहाँ पे ये है कि जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, जो आपके मन को ठेस पहुंचाता है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस व्यक्ति ने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया, इस व्यक्ति ने मुझे कुछ भी करके लो फील कराया, कहां से अगर मैं तैयारी कर रही हूं या कर रहा हूं, और इस व्यक्ति को मेरा साथ देना चाहिए, नहीं कुछ हम कर सकते हैं तो मुंह से अच्छा बोल के हौसला दे सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं कि तुम कर सकते हो, जो भी है अपने तरीके से वो मेरा काम आसान करता और उसने ऐसा नहीं किया। तो अभी मैंने कल ही बताया, मैं फिर कहूंगी, अभी फिलहाल आप कोई रिश्ते और नाते पहचानिए मत, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं। मैं जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक की बात मैं कर रही हूँ। आपको सेल्फिश होना ही पड़ेगा, कोई भी हो, आप ये भूल जाइए कि कौन है। बस अपने जीवन से ऐसे लोगों को हटाना, दूर मतलब हटाना शुरू कर दीजिए, दूर करना शुरू कर दीजिए। हाँ, ऐसे लोग सर पे सवार रहेंगे, घर में ही रहेंगे, क्या कर सकते हैं, आप दूरी नहीं बना सकते हैं, ये भी आपके साथ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन जब मन से आप चाह लेंगे ना कि मुझे इस व्यक्ति के लिए अपना कर्तव्य निभाना है, जो भी मेरा कर्तव्य है मैं करूंगी इसके लिए, करूंगा इसके लिए, लेकिन मेरा मेन मकसद क्या है कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपना जीवन बनाना है। क्योंकि अगर मैंने अपना जीवन आज के डेट में नहीं बनाया, इस साल नहीं बनाया, ये जो वैकेंसी मेरे सामने है, सारी वैकेंसी तो निकल गई, सारी भर्तियां निकल गई, आप थोड़े थोड़े नंबरों से रह गए, अभी तक नहीं कर पाए अपने जीवन कुछ, अब ये आखिरी मौका है। अगर यहां भी हम नहीं कर पाएंगे तो सोचिए कि अभी आपका हाथ पैर सलामत है, अभी आप जो है बूढ़े भी नहीं है, मतलब काम करने लायक हैं, तो आपकी ये दशा है। जब थोड़ा सा समय बीत जाएगा, आपकी एज हो जाएगी, या भगवान ना करे कि कुछ ऐसा आपके साथ अनहोनी हो जाए, तो फिर लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे। अभी तो आप सब कुछ सही हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं लोगों के लिए, तब तो ये लोग आपको ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर बाई दबे अगर बाद में कुछ ऐसा हुआ तो लोग क्या करेंगे, कौन सपोर्ट करेगा, तब तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये पढ़ाई जो होती है ना, हर एक सिचुएशन में काम आती है। देखिए मैं अपना ही बताऊं कि अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं रहती, अगर मैं इस काबिल नहीं रहती कि मैं फॉर्म भर सकूं, एक ऑप्शन था ना कि अगर मेरे पास वो था कि ये था कि हाँ चलो मैं ये फॉर्म फिल कर सकती हूँ, मेरे पास वो डिग्रियां थी, मैंने पढ़ा था, तो मैंने फॉर्म फिल किया, और उसके बाद भी मैंने बहुत हिम्मत किया, बहुत मेहनत किया कि मुझे यही चीज, जैसे आप लोग बताते हैं ना, सारी चीजें बहुत कुछ सोचा मैंने, मेरे साथ तो मतलब बहुत बड़ा, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं तो अपनी पर्सनल लाइफ में शेयर करूंगी जल्दी ही, लेकिन जैसे बहुत सारी सिचुएशन मेरे साथ हो गई, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। मैंने दो ही कल्पना किया कि या तो मुझे ये जो जीवन चल रहा है अभी, तो मैं मेरे हाथ पर सलामत है, अभी मैं यंग एज में हूँ, सब कुछ कर ले रही हूँ, अपना अपने बच्चे कर ले रही हूँ, लेकिन आगे क्या होगा, अगर सब कुछ मतलब ना ऐसा हो कि अच्छा हो तो फिर क्या होगा, तो ये लोग तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तो फिर अपने स्तर से मजबूत बनना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप इस चीज को समझिए बहुत ज्यादा, कौन है क्या है फिलहाल, जब तक आप तैयारी करें। और तैयारी करने का समय मैं बता दूंगा कि अगर आप साल भर तैयारी कर लेते हैं अच्छे से, मैं कहती हूं कि अगर आप करना चाहेंगे तो 2-4 महीने भी कर लेंगे, 1 महीने में भी कर लेंगे, अगर आप चाह लेंगे तो, पता नहीं क्या कर लेंगे आप, आपके अंदर इतनी ताकत है,
क्यों नहीं अपनी ताकत को पहचानते हैं, क्यों नहीं अपनी क्षमता को पहचान रहे हैं कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, आपका ब्रेन कितना पावरफुल है, आप चाह लेंगे तो क्या नहीं कर लेंगे। क्यों अपने आप को इतना कष्ट दे रहे हैं, क्यों अपनी सिचुएशन को और बिगाड़ रहे हैं, क्यों अपने आने वाले भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। आपको अपना अभी वर्तमान दिख रहा है ना कैसा है, तो आने वाला भविष्य कैसा होगा अगर आप सफल नहीं हुए तो। ये आप बच्चे नहीं, ये कहने की बात नहीं है। मैंने तो अपना समझा था, और मेरे से बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी जिन्होंने समझ के ही कुछ किया होगा, मेरे भाई ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास कुछ नहीं होगा, किसी चीज की कमी होगी, और वो सोचे होंगे कि उस कमी की पूर्ति कैसे हो सकती है। बस एक रास्ता उनको दिखा होगा कि पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छे से नौकरी होनी चाहिए। अगर वो इस काबिल नहीं है कि वो फॉर्म भर सके, हो सकता है भाभी मतलब बचपन में ना पढ़ाई लिखाई कर पाए हो, तो वो किसी भी क्षेत्र में आगे निकल जाते हैं। तो बात यहाँ पे एक सरकारी नौकरी की नहीं हो रही है, अपने जीवन में सफल होने की बात हो रही है। तो आप जीवन में तो सफल कभी भी हो सकते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में आगे निकल सकते हैं, जिस चीज में भी आप चाह रहे हैं। फिलहाल मुझसे जुड़े लोग पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप किसी भी क्षेत्र में आगे निकल सकते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना है। आप कमाइए, बढ़िया से कमाइए, आर्थिक रूप से मजबूत बनिए, किसी के आगे हाथ ना फैलाना रहे कि मुझे ये चीज चाहिए तो मेरा बच्चा ये चीज चाहिए तो तरसे वो, उसको कष्ट हो किसी चीज का कि नहीं दिला सके, और अपने आप को भी लगे कि मैं नहीं कर सकी, नहीं कर सका। क्यों ऐसा करना, जीवन एक बार मिला है। जब सारी चीजें हम करते हैं, इतना समय बर्बाद करते हैं दूसरों के ऊपर अपने। अच्छा एक चीज मैं और कहूंगी, ऐसा देखिए बेकार की चीजें हम बहुत करते हैं, बिना वजह जाने हम करते हैं ना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी कोई वजह नहीं होती, हम करते हैं करते हैं। तो पढ़ाई बिना वजह के क्यों नहीं करते, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है। आप इस चीज से निकलिए और अपना मन एकदम मजबूत बनाइए कि आज से मेरा सब जितने फालतू चीजें करता था करती थी आज से बंद, आज से बस मैं काम की चीजें करूंगी जो मेरे लिए जरूरी है। सबसे जरूरी है पढ़ाई, और इसके अलावा जीने के लिए खाना पीना भी जरूरी है, थोड़ा बहुत घर का काम भी जरूरी है, जितना जरूरी उतना ही करूंगी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करूंगी, फालतू समय बर्बाद नहीं करूंगी, करूंगा। ये 2024 जो है ये मेरा निकले ना, जैसे इतना साल निकलते चला गया, अब निकले ना। आपके ऊपर है भाई, आपके ऊपर है, किसके चक्कर में पड़े हैं, कौन आपका हाथ पकड़ के, नहीं कोई कराएगा, ना ही कोई आपको पढ़ा देगा, घोल के पिला देगा कि आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। कितने भी अच्छे स्कूल में, मैं कोचिंग में, कितने भी अच्छे टीचर हों, कितनी भी अच्छी किताबें हों, कितने भी अच्छे राइटर की बुक हो, आप नहीं मेहनत करेंगे तो कोई नहीं करा सकता है। इस चीज को समझिए, सब कुछ आप ही को करना है, किसी के भरोसे मत बैठिए। अब फिलहाल जब तक आप तैयारी कर रहे हैं ना, सबसे दूर रहिए, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी कुछ भी हो, जो भी आपको सम्मान, आप सम्मान को ठेस पहुंचाए, आपको दुखी करे, आपको निगेटिव फील कराए, आपके पढ़ाई में मदद ना करे, आपको आगे बढ़ने से रोके, फिलहाल जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं, तो अपने मन ही मन ऐसा अपने मन में गांठ बांधिए। मैं कहती हूँ गांठ नहीं बांधना चाहिए, आप सुनते होंगे दूसरों का कि गांठ नहीं बांधना चाहिए, लेकिन इस चीज को गांठ बांधिए कि ये तो व्यक्ति आगे मेरा जीना दुश्वार कर देगा अगर मैं सफल नहीं हुई तो इसलिए मेरा सफल होना बहुत ही जरूरी है। एक हथियार है मेरे पास, बैठ के किताब खोल के पढ़ना है, रात दिन एक करिए, थोड़ा सोना बंद करिए ना, टाइम टेबल बनाइए अच्छे से, क्या दिक्कत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।